अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल बी पे हमारे नए दोस्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आपको ये मेरे पास कुछ क्वांटियम की 4 पोर्ट यूएसबी हब है, यो ये तो आपको पता ही है कि किस यूज़ में आती है। ये हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर सिंगल यूएसबी है तो हम इसका यूज़ करके अदर्स डिवाइस इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। पर आज मैं इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके सभी डिवाइस भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और ये एक्सपेरिमेंट मेरा नया नहीं है, पुराना है एक्सपेरिमेंट, मैं पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ। बिल्कुल ये आपके लिए सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कभी अगर आपको परेशानी आ रही हो अपने कंप्यूटर में तो आप इसको अपने मोबाइल में लगाकर बहुत से डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैं इसमें Redmi Note 5 Pro का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी और मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो मोबाइल आपका OTG सपोर्टेड हो। तो ऐसी OTG डिवाइस आपको मार्केट से 20 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं अपने डिवाइस में। तो उसके साथ ये मैं अपना जो USB हब है उसको भी अटैच कर देता हूँ। तो इस प्रकार से अटैच कर देते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि 3 पोर्ट इधर है और 1 पोर्ट इसकी साइड में लगी है। तो इसमें मैं सबसे पहले माउस को अटैच करता हूँ, आपको माउस चला के दिखाता हूँ। अगर आप सिंगल OTG से लगाते हैं तो आपकी एक ही डिवाइस काम करती है, इस प्रकार से आपकी 4 डिवाइस काम करेंगी बहुत अच्छी तरह से। तो हमारा माउस है जो वो कनेक्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड इसी से खोल लेता हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं साइड में इसको अपने थोड़ा स्लाइड करता हूँ इसको। तो इसके बाद मैं आपको इसमें कीबोर्ड को भी अटैच करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से नोटपैड खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको इस मोबाइल में कुछ स्टैंड लगा के आप अपने लैपटॉप की तरह रख दीजिएगा। तो इसमें कीबोर्ड ये वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अलग से कीबोर्ड ऐसा लगा लेना है। तो आपको USB कीबोर्ड 200-250 रुपये में बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाता है। तो मैं कीबोर्ड का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कीबोर्ड बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो हम यही जो USB हब है हमारी, उसमें मैं USB को लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि एक माउस का हो गया और एक USB हमारा कीबोर्ड का हो गया। तो चलो इसमें कुछ टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं हम कुछ, और कीबोर्ड से टाइप करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो हमने टाइप किया है हेलो फ्रेंड्स, इसमें टाइप करते हैं और साथ में कुछ डॉट्स वगैरह लगा देते हैं। तो ये हम इसको बैक करके यहाँ से काट भी सकते हैं और यहाँ पे हम डॉट डॉट्स के लगा के दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, कीबोर्ड हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको अपने मोबाइल को अगर किसी स्टैंड पे लगा के लैपटॉप की तरह यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसी वर्किंग में। तो आप जब काम करते करते आपको कुछ USB डिवाइस की ज़रूरत पड़ जाए इसमें, कि आपने कोई फाइल USB से उठानी है, तो आप इस प्रकार से USB का यूज़ भी कर सकते हैं उसी USB हब में लगाकर। तो USB भी इसमें बहुत अच्छे से वर्किंग करती है, इसकी कॉपीज़ करने की स्पीड्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपने सीधी डायरेक्ट OTG अपने मोबाइल में लगाई है उसी प्रकार हब में से भी आपको वही स्पीड मिलने वाली है। तो देख सकते हैं आप, हमारे मोबाइल में USB कनेक्ट हो चुकी है, सैंडिस्क की हमने ये लगाई है इसमें USB, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से ये भी वर्क करेगी। और आप देख लीजिए, ये हमने USB की जो फाइल्स खोली है, यहाँ पे हम आपको कुछ वीडियोस चला के दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं वीडियोस हमारी सीधी USB से चल रही है, बहुत अच्छे से वर्क करती है इसमें हमारी वीडियो। आप इसमें कोई फाइल कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड आपकी वही रहेगी जो सीधी आप मोबाइल से लगा के आप कॉपी या पेस्ट करते थे। अगर आप अंधेरे में वर्क कर रहे हैं रात के टाइम, तो आप इसमें इस लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं।
बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हमने ये पहले से ही इसमें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आपके मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये लाइट देख सकते हैं, लाइट का यूज़ करके आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या अदर यूज़ के लिए आप लाइट को काम में ले सकते हैं। तो लाइट की वर्किंग अच्छे से हो गई, और आप इसके साथ अगर आप अच्छे म्यूज़िक में आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ स्पीकर्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, छोटे वाले जो USB वाले आते हैं, ऐसे स्पीकर्स आपको मल्टीमीडिया स्पीकर ये मार्केट से 200-250 के बीच मिल जाते हैं। इनकी साउंड बहुत प्यारी होती है, साउंड अच्छी होती है, हम इसकी साउंड आपको चला के दिखा देते हैं। तो इसका USB जो पावर होता है हमारा इसी पोर्ट में लग जाएगा, और इसकी जो हमारी 3.5 mm की वायर है ये इधर लग जाएगी। तो अभी हम आपको इसमें कोई सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। हम आपको कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का सॉन्ग्स नहीं चलाएंगे, हम आपको ये यूट्यूब के हमारे सॉन्ग्स होते हैं कॉपीराइट फ्री होते हैं, उसका सॉन्ग हम आपको चला के दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें हमारे जो सॉन्ग्स हैं उसको ये हम यहाँ से प्ले कर देंगे। तो म्यूज़िक प्लेयर यहाँ से प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन की बैटरी भी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होती, नॉर्मली तरीके से यूज होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फ़ोन कोई कुछ भी आपका हीट अप नहीं होगा, और आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहे, इंजॉय करें, ऑल द बेस्ट।